हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम तो गाइस आज आपके सामने मैं ट्यूटोरियल पेश करूंगा एक लेटेस्ट टूल क्वालकम टूल का जिसका नाम है बी एम बी क्वालकम अनलॉक टूल ठीक है सबसे पहले आपने दिए गए लिंक से इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल uh, इंस्टॉल क्या करना है आपने जस्ट रन कर देना है एग्जी को फोल्डर के अंदर से आप मेरी वीडियोज़ uh, को जो आपकी तरफ से प्यार मिला जो आपके व्यूज़ मिले उसके बहुत बहुत शुक्रिया तो गाइस देखते हैं फिर सबसे पहले इसको रन करना है रन करने के बाद मैं इसका और व्यू स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये ओपन हो जाए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है बरह आपने इंतज़ार करना है मैं इसको दोबारा रन करके चेक करना समटाइम्स एग्जी क्रैश हो जाती है उस वजह से मैं इसको दोबारा रन करूँगा आपने परेशान नहीं होना जी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे देन एग्ज़ी रन हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको ओपन होना है इसमें सबसे पहले तो पोर्ट का ऑप्शन है यानी लॉग के ऊपर वाले एरिया में और यहाँ मैनेज के नीचे क्वालकम वीवो कॉलकम शॉमी क्वालकम सामसंग कोअलकम वीवो अनलाक बूट लोडर और डिफरेंट तरह के जो मेथड हैं बैकअप के जी आई मी के कस्टम लोडर और कस्टम फ्लैश के दिए गए अब जो आप आ, इसकी जो ब्रांड चूज़ करेंगे उस ब्रांड के जो मॉडल हैं सपोर्टेड वो सामने आ जाएंगे अब मेरे पास ए थर्टी था ये फॉर्मेट और एफ आर का हो गया है डन लेकिन नहीं क्योंकि अभी पोर्ट सेलेक्ट नहीं किया था तो टूल ने रन नहीं किया ठीक है उसके बाद ये जो इसके फंक्शंस हैं इसमें कुछ आप एम बी एम फाइल यानी लोडर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडल्स का बता देते हैं ये तेज़ी से मैं इसको पास करूँगा ये ये मॉडल्स जो हैं इसमें आ जाएंगे उसके बाद वीवो है इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं ये भी आप देख लें उसके बाद शॉमी हैं उसके मॉडल्स भी आप देख लें सैमसंग को वेलकम वीवो अनलॉक बूट लोडर आ, वाई ट्वेल्व ए वाई ट्वेल्व एस अनलॉकिंग बूट लोडर लॉक बूट लोडर फिक्स बूट लोडर एरर उसके बाद बैकअप के जी आ, ये इसके डिफरेंट टूल में थोड़ा सा एरर है ये चूँकि पूरा यहाँ से मसला करता है अब यहाँ से कस्टम लोडर सेलेक्ट करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑपरेशन में से जी ये डिफरेंट ऑपरेशन को सिलेक्ट करता है वीवो को वीवो की एफ को रेज करता है ओपो की एफ को सैमसंग के जी लॉक को रेज के जी को और इस तरह के डिफरेंट मेथड हैं ये आप सारे आपने खुद टेस्ट करने हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं उसके बाद इस पर ट्राई करते हैं ये नीचे नहीं जा रहा आप टूल में एरर है इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा आप इसको फुल स्क्रीन जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी या फिर फोर्सली और रैपिडली आपने प्रेस करना है अपने सिलेक्टेड ऑपरेशन को तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फिक्स वाईफाई वाली एम, एम ये चीज़ें ये में उसके बाद फ्लैश कस्टम को पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप बी डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं यानी कि यू एफ एस फ्लैश कर सकते हैं और ई एम एम से फ्लैश कर सकते हैं कस्टम एम बी एम को करके उसके बाद मैनेज में जाएंगे तो डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा तो गाइस इसी के साथ हमारे टूल का व्यू ओवर व्यू कम्प्लीट हुआ नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छे टूल के साथ फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़